हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ऑप्शन है 1915, 1917, 1916, 1918। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 से लेकर जनवरी 1915 तक लगभग 22 वर्ष तक रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया था। दक्षिण अफ्रीका में वो पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तथा गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु भी बनाया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन है चौरी चौरा में, दांडी में, चंपारण में, बारदोली में। तो सही आंसर है चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। उन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, उसी समय राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन का एक तिहाई हिस्सा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तीन कठिया पद्धति कहते थे। इस आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जीबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन, इंडियन ओपिनियन। तो सही आंसर है डी, इंडियन ओपिनियन। सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जिसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नील आंदोलन। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह जालियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के विरुद्ध 1920 से लेकर 22 में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई? ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी, सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट एक्ट, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक स्थिति 5 फरवरी 1922 थी। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इसी घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है सी आर दास, एनी बेसेंट ने, बी सी पाल ने, मदन मोहन मालवीय ने। सही आंसर है सी आर दास ने। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया,
परंतु नागपुर अधिवेशन जो 1920 में हुआ था में सी आर दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी। इसी प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन किस असफलता के बाद हुआ? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। चौरी चौरा एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस असंतुष्ट हो गए। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे सी आर दास और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम भेदों में कमी हुई, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई, भाषा की समस्या तीव्र हुई, हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़े, हिंदुओं को दबाया गया। तो सही आंसर है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन से भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए व्यवहार का यह परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है चंद्रशेखर, चित्रंजन दास, ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट। तो देश बंधु के नाम से चित्रंजन दास प्रसिद्ध है। देश बंधु का तात्पर्य है द फ्रेंड ऑफ नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की। चित्रंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूँ। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था का अध्यक्ष किसको चुना गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मोतीलाल नेहरू। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? ऑप्शन है एम एल नेहरू ने, जे एल नेहरू ने, आर के नेहरू ने, बी एल नेहरू ने। तो नेहरू रिपोर्ट एम एल नेहरू ने तैयार की थी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस समितियों में 2 मुस्लिमों सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है बीजी तिलक, जे एल नेहरू, एम के गांधी, सरदार पटेल। तो सही आंसर है जे एल नेहरू। 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया और भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को की रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? ऑप्शन है गोलवेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, नमक पर कर समाप्त करने के लिए।
तो गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए कारण हुआ था। इसे दिल्ली फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? ऑप्शन है खुदीराम बोस ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर ने किया था, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर उनका पूरा नाम है। वह 1902 में स्थापित मित्र मेला में ही वर्ष 2004 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तन हो गया। यह संगठन गुप्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। वीडी सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, कामा गाटा मारू क्या था? ऑप्शन है एक राजनीतिक दल, चीन का एक किसान जो साम्यवादी नेता था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, चीन का एक गांव जहां से माओत्से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो कामा गाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। 1913 में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा में आने की अनुमति प्रदान की जो सीधे भारत से न आए हों। इस निर्णय को आधार मानकर गुरदीप सिंह ने एक जहाज जिसका नाम कामा गाटा मारूक था को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज पहुंचने पर यात्रियों और पुलिसकर्मियों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला क्वेश्चन, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ऑप्शन है रास बिहारी बोस, बटू केशवर दत्त, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र आदि क्रांतिकारियों ने की थी। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 10 सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इनका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA शॉर्ट नेम है इसका, HSRA। इसकी स्थापना में अन्य सदस्य भगत सिंह, सुखदेव तथा भगवती चरण बोहरा भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतेंद्र नाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। इन्हें बाघा जतिन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद, अरविंद घोष के अनुयायी थे। 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन है 1908, 1909, 1970, 1911। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स कोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स कोर्ट की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वे यूरोपियन क्लब से बाहर निकल रहा था। परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कनेडी की पत्नी और पुत्री भी मारी गई। प्रफुल्ल चाकी के पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 मई 1908 को 19 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, लाहौर षड्यंत्र कांड में
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन है बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह, राजगुरु। तो सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई और 23 मार्च 1931 को इनकी फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया जो अंडमान में है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बरार डकैती का स्थान कहाँ था? ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक में, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो सही आंसर है पूर्वी बंगाल में। धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बरार डकैती कांड को पुलिन बिहारी दास ने अंजाम दिया था। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, वारिंदर कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ऑप्शन है अनुशीलन समिति, स्वदेश बांधव समिति, व्रती समिति, साधना समाज। तो सही आंसर है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका गठन बंगाल के वारिंदर कुमार घोष ने किया था। उन्होंने 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बारदोली आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो निम्नलिखित सत्याग्रहों में से बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसका नेतृत्व किया था, जबकि गुजरात में स्थित बारदोली में के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में यह सत्याग्रह किया था। याद रखिएगा बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? ऑप्शन है राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो प्रत्यक्ष रूप से महात्मा गांधी ने वायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। वायकोम सत्याग्रह श्रावणकोर जो केरल में है, निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश और मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। अगला क्वेश्चन, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता थे यनुदांग, यनु यदुनांग, क्या नाम था ना, यदुनांग, याद रखिएगा इस आंदोलन के नेता थे यदुनांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। इसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गैंडी नल्यू ने किया था। क्या नाम था उसका, गैंडी नल्यू। जवाहरलाल नेहरू ने गैंडी नल्यू को रानी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ऑप्शन है अब्बास तैयबजी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो उनका स्थान अब्बास तैयबजी ने लिया था। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी ने किया था जो गुजरात के ग्रैंड ओल्ड मैन थे। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है बारदोली आंदोलन,
चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आचार्य विनोबा भावे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? ऑप्शन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन लंदन में 17 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला था। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है, B.R. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? ऑप्शन है, लॉर्ड जेम्स फोर्ड, लॉर्ड बेवल, लॉर्ड लिन लिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो सही आंसर है लॉर्ड लिंथिगो। लॉर्ड लिंथिगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था। भारत में इनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? ऑप्शन है, बम्बई, वर्धा, लखनऊ, त्रिपुरा। तो यह आंदोलन वर्धा में पारित किया गया था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई थी। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन है, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपयुक्त में से कोई नहीं। 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो का प्रारंभ उषा मेहता ने किया था। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका क्या नाम था? ऑप्शन है, लुई फिशर, विलियम एल सीवेर, वेब मिलर, नेगली फार्सन। सही नाम था लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? ऑप्शन है, लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह
बात स्वामी दयानंद ने कहे थे ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारत भारतवासियों के लिए का नारा दिया था। क्यों अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन प्रश्नों के बारे में जानें। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।